हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल के लिए जो सेक्शन वाइज वेटेज आईसीएआई ने अनाउंस किया है, जो मई 24 से एप्लीकेबल होने वाला है। न्यू स्कीम में ये एप्लीकेबल होने वाला है। आईसीए की वेबसाइट पर जो न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का टैब है, उसके अंदर ये आया हुआ है। 27 अक्टूबर को उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें नीचे है सेक्शन वाइज वेटेजेस। उसमें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों ही कोर्स के लिए दिया गया है। हमने फाइनल कोर्स के लिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसमें से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल का सेक्शन वाइज वेटेज इश्यूड बाय आईसीएआई, एप्लीकेबल फ्रॉम मई 24 एग्जाम ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ दी गई है, ये अभी मई 24 से एप्लीकेबल होने वाले जो न्यू स्कीम है उसके सेक्शन वाइज वेटेज दिया है। जबकि ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, राइट, ये जो वेटेज है वो ओल्ड कोर्स के लिए था। तो मैं उनके साथ भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट जो पढ़ा होगा, राइट, वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से या फिर उसके वेटेज के ध्यान में रख के करा होगा। तो मैं उसके साथ भी आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर पहले जो इसका वेटेज कितना था, अब कितना रहेगा, राइट। हमारा मेन फोकस जो न्यू स्कीम के लिए एप्लीकेबल सेक्शन वाइज वेटेज है, वहां पर ही रहेगा। चलिए, तो ये पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया आईसीए की वेबसाइट पर कहां से डाउनलोड किया कर सकते हैं, वहां से ही मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर हमें जो सीए फाइनल के जो 6 पेपर में से 5 पेपर के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट 5 पेपर्स के लिए है, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी एंड आईडीटी के लिए है। जो 6th पेपर जो है, राइट, उसके लिए अभी तक नहीं दिया गया है सेक्शन वाइज वेटेज। इवन उसके मॉड्यूल भी अभी तक रिलीज नहीं की गई है, उसके बाद शायद वो दे सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल 5 पेपर्स का ही है, तो वो देखते हैं। एफआर में सबसे ज्यादा वेटेज तो इन डेज का ही रहता है, बट इन डेज में भी उन्होंने बाइफरकेट करके ही दिया हुआ है। जो सबसे पहला सेक्शन है, राइट, उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह है, जनरल पर्पस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह क्या रहता है, वो सारी चीजें है, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है, शेड्यूल 3 के बारे में दिया गया है, जो डिवीजन 2 इंडेस को एप्लीकेबल है उसके बारे में जो है, फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इंडेस के बारे में, और कुछ इंडेस कवरअप कर गए हैं, जिसमें इंडेस 1 जो प्रेजेंटेशन रिलेटेड है वो कवरअप किया गया है, फिर इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर इंडेस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस वाला जो है, राइट, एंड इंडेस 10 है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाली चीज, और इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सभी का वेटेज जो है वो 10-15% दिया हुआ है, मतलब कि इसमें 10-15 मार्क्स का वो लोग पूछ सकते हैं, राइट। तो जो पहले था उसका भी वेटेज कुछ इसी तरीके से था, 10-15% ही था, और इसमें वही सारी चीज आती थी। सिर्फ एक यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन था वो भी यहाँ पर ही कवर अप कर देते थे, बट अब न्यू स्कीम में फर्स्ट टाइम एडॉप्शन है वो अलग से दिया गया है, उनका वेटेज है वो अलग से कर दिया है, बाकी यहाँ पर एज इट इज ही, राइट। ये जनरली आपके फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स बनते हैं, तो उसमें से 10-15% मतलब कि 10-15 मार्क्स का वो पूछ सकते हैं। फिर जो सेकंड सेक्शन दिया है वो है इंडेस ऑन इनकम स्टेटमेंट, दैट इज इंडेस 115। अब तो सिर्फ एक ही इंडेस है, तो उसमें से 5-10% आ सकता है, मतलब सिर्फ ये एक चैप्टर, ये एक इंडेस के अंदर से 5-10 मार्क्स का आएगा, राइट। पहले वो 10-15% था, अब उसका वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया है, और यहाँ पर रेंज दी गई है 5-10%, तो वो 5-10 मार्क हो सकते हैं, तो वो कुछ भी, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं देंगे ना कि इतने ही मार्क्स का पूछेंगे, वो रेंज रखेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा वेरिएशन वो कर सके। फिर इंडेस ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज दिए गए हैं, जिसका वेटेज है 15-25%, जो पहले भी उतना ही था। उसमें कौन से इंडेस है, इंडेस 2 है, फिर 16 है, 116 लीजेस है, 23, 36, 38, 40, 105, 19, 37, राइट, इतने कवरअप होते हैं। यहां तक 105 तक जो है वो असेट्स रिलेटेड है, ये 19 और 37 है वो लायबिलिटीज रिलेटेड है। तो उसमें से यहां पर हमें जैसे दिए गए हैं 15-25%, मतलब 15-25 मार्क्स का वो लोग पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए, फिर दिया गया है इंडेस आइटम इंपैक्टिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इंडेस 12, इंडेस 21, फिर इंडेस ऑन डिस्क्लोजर्स है, तो उसमें इंडेस 24, 33, 108 और अदर इंडेस है, जिसमें इंडेस 20, इंडेस 102, इंडेस 41 कवर अप होता है, और उसमें से 15-20% वेटेज दिया गया है, उसमें से 15-20 मार्क्स का पूछ सकते हैं, जो पहले भी उतना ही था 15-20 मार्क्स का ही था, और इसमें वही तीन कैटेगरी ऑफ इंडेस कवर अप होते थे, राइट।
फिर दिया गया है इंडेक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके तीन जो इंडेक्स है 32, 109 और 107, उसमें से 10-15% पूछ सकते हैं, तो उसमें से 10-15 marks का आने के चांसेस है, राइट, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वो तीन इंडेक्स मतलब जो चैप्टर है पूरा ही वही काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पहले उसमें से 10-20% पूछने के चांसेस थे, अब वो 10-15 कर दिया है। फिर इंडेक्स ऑन ग्रुप अकाउंटिंग है जिसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन कवर अप होता है, तो उसमें से 10-20% पूछ सकते हैं, जो पहले भी उतना ही था, 10-20% ही था, right? फिर फर्स्ट टाइम एडॉप्शन है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अब दोनों एक साथ कर दिए है, उसमें से 5-10% पूछ सकते हैं, ये दोनों को कवर अप करके 5-10% हो सकता है। पहले जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके साथ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सीएसआर भी था, जो अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सीएसआर अब हट गया है, तो उसके साथ फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वाला उन्होंने इंडेक्स रखा है, उसका वेटेज एक साथ दिया है, तो 5-10% उसमें से पूछ सकता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर ये दो चीजें नई इंट्रोड्यूस की गई है इन द न्यू स्कीम, एथिक्स विथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, उसमें से उन्होंने स्पेसिफिकली 5-10% उसके भी रखा है, क्योंकि अब उन्होंने जो न्यू स्कीम है उसमें सभी में एथिक्स और आईटी जो है वो सारे ही सब्जेक्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो उसमें से 5-10% आएंगे जो न्यू है, जो पहले ओल्ड कोर्स में नहीं था, राइट। तो इस तरह से एफआर का वेटेज रहेगा चैप्टर वाइज इंडेक्स वाइज। चलिए अब देखते हैं एएफएम एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पहले एसएफएम था, उसका ऑलमोस्ट सिलेबस है वो सेम है, सिर्फ एक दो चैप्टर में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, बाकी सेम चीज है, तो उसका वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने जो है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो मोस्टली थियरी चैप्टर है, फिर रिस्क मैनेजमेंट है जिसमें से भी थियरी पूछी जाती है, राइट, एंड जो एक चीज एड की गई है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो पहले सीए फाइनल में नहीं था, ऐसा कोई चैप्टर आता ही नहीं था, वो पूरा ही इंटर में डाल दिया था, बट अब एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन से वो सीए फाइनल में फिर से आया है, राइट। तो उसमें से 8-15% पूछने का चांसेस है, पहले सिर्फ ये दो ही चैप्टर थे, ये पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें से 5-10% पूछते थे, बट अब इसमें एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग भी है, तो 8-15% उनका वेटेज कर दिया है। फिर ये सिक्योरिटी एनालिसिस है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, उन तीनों को मिलाकर 20-30%, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और एनालिसिस में से भी क्वेश्चन पूछता है, राइट, तो उनका वेटेज 20-30% किया है, पहले भी वो उतना ही था 20-30%, जिसमें ये तीनों चैप्टर ही कवर अप होते थे। फिर सिक्योरिटाइजेशन है जो थियरी चैप्टर, अगेन म्यूचुअल फंड है, तो उसमें से थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पूछते हैं, और डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इन तीनों चैप्टर में से वो 20-30% उसका भी वेटेज 20-30 marks का है, पहले उसका वेटेज 20-25% जितना था, अब वो थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन है, उसमें फोरेक्स के चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, जिसमें कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल वगैरह वो सारी चीजें है, इसमें थोड़ा सा ऐड भी किया हुआ है, पहले वो सारी चीजें एसएफएम में नहीं थी, वो एएफएम में है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर को मिलाकर 20-25% पूछ सकते हैं, पहले वो 20-30% उसका वेटेज था, अब वो 20-25% है। चलिए फिर बिजनेस वैल्यूएशन, जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हुआ करता था, और उसके साथ मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग थे, वो भी इसमें कवर अप होता है, इन दोनों चैप्टर में से 10-15% पूछने के चांसेस है, जो पहले भी उसका वेटेज उतना ही था 10-15%, वो कंपैरेटिवली सिंपल चैप्टर लगता है सभी को, राइट। एंड लास्ट स्टार्टअप फाइनेंस है, तो उसमें 2-5% है, पहले स्टार्टअप फाइनेंस था उसका वेटेज 5-10% था, अब थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया है, वैसे भी एडवांस्ड जो कैपिटल बजटिंग इंट्रोड्यूस किया तो वो चैप्टर नया आया, उस वजह से कोई एक चैप्टर को तो थोड़ा सा फर्क पड़ने ही वाला था, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से वो वेटेज रहेगा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, फिर डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स है, जो आपको पता ही होगा, तो वो अच्छे से करना होगा, और अब एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी मर्जर वगैरह रहते हैं, राइट। तो ये एएफएम का वेटेज रहता है।
AFM में थियरी करना ज्यादा एडवाइजेबल रहता है, जो थियरी होती है वो कंपेरेटिवली इजी पड़ती है कि आप तो सीधा ही लिख सकते हैं। हाँ, बट अभी तक न्यू जो स्कीम है उसमें किस तरह से पेपर स्टाइल रहेगा वो नहीं आया है, क्योंकि अब सारे ही सब्जेक्ट में उन्होंने केस सिनेरियोस बेस्ड एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि जो 70 मार्क्स का जो पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहता है उसमें किस तरह से आए वो पता नहीं है। पहले तो SFM में वो थियरी पूछते थे और वो काफी इजी भी रहता था क्योंकि पेपर कंप्लीट करने में और उसमें श्योर मार्क्स आते थे। अब पता नहीं है कि AFM में किस तरह से वो थियरी पूछेंगे। राइट, पेपर स्टाइल आएगा तो उसका भी वीडियो आ जाएगा, तब हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। फिर थर्ड पेपर ऑडिट है। चलिए, ऑडिट में पहले SS ज्यादा ही पूछते थे, बट अब SS के साथ फिर से SREs, SAEs वगैरह, SRS वगैरह जो बाकी के स्टैंडर्ड्स है, राइट, वो सभी पर भी उतना ही एम्फोसिस किया गया है। वो सारे ही फिर से CA फाइनल में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। पहले वो निकाल दिया था, शुरुआत में था, फिर निकाल दिया था, फिर अब एप्लीकेबल है, राइट। तो वो जो SS है, SREs, SRS, SAEs सब कुछ मिलाकर 45-55% उनका वेटेज दिया गया है। आपको ऑडिट की जो मॉड्यूल दी गई है उसमें सारे ही SS नहीं समझाए हैं, कुछ कुछ SS है जो इंटरमीडिएट में आपको समझाए थे उसके ऊपर ही उन्होंने कह दिया है कि वो लोग आप इंटरमीडिएट का आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें से केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ। तो SS जो आपको नहीं पढ़ाए है वो भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोनाउंसमेंट तो दी है जिसमें सारे ही SS कवर अप किए गए हैं। तो उसमें जो पहले है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें SQC1 कवर अप होता है, और SA220 जो है क्वालिटी कंट्रोल का वो कवर अप होता है। फिर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें SA240 कवर अप किया गया है। फिर SA250 है, 260 है, 299 और 402 है। और फिर यहां पर बताया कि जो कंटेंट है 200 और 210 का, 230 है, वो सारा आपको इंटरमीडिएट में दिया गया था। तो क्या कर सकते हैं कि 10 एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द अबव एसेस मे बी डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी एट फाइनल लेवल। फाइनल लेवल में वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन है, तो उसमें SA300 है, 450 है, 520, 540, 610, 620 यहां पर दिए गए हैं, राइट। तो वो आपको पूछ सकते हैं। उसमें भी 300 है, वो आपको इंटरमीडिएट में सिखाया गया था, तो वो फिर से यहाँ पर आपको शायद मॉड्यूल में नहीं देंगे। फिर मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कवर अप किया गया, तो उसमें 265 है, फिर 330 है, और इंटरनल कंट्रोल जो 300 में डिस्कस करते हैं, 315 वगैरह में जो डिस्कस करते हैं वो भी इसमें कवर अप किया गया है। 315 और 320 है वो इंटरमीडिएट में आपको ज्यादा पढ़ाया था, राइट। फिर ऑडिट एविडेंस है, तो पूरी 500 की सीरीज आ जाती है, तो 500 के सारे ही SS जो है वो इंटरमीडिएट में इन डिटेल समझाए होते हैं, तो वो यहाँ पर शायद फिर से आपको नहीं समझाएंगे, बट हाँ वो पूछ सकते हैं। फिर कंप्लीशन एंड रिव्यू है, तो 560, 575, 580 वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर उन्होंने कवर अप किए हैं, राइट। फिर रिपोर्टिंग है, तो पूरी SS 700 की सीरीज आ जाएगी, जो यहाँ पर आपको फिर से समझाई है इंटरमीडिएट में भी था, बट आप फाइनल में वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट है इसीलिए। फिर स्पेशलाइज्ड एरिया से जो 800 की पूरी सीरीज थी, जो अपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी थी, वो फाइनल में भी पहले निकाल दिया था, अब फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो भी पूछ सकते हैं। ये SS के बारे में था। अब रिलेटेड सर्विसेज के बारे में जो है, SRS जो दोनों ही है वो भी अब ऐड कर दिया है। फिर रिव्यू वाला जो है, SREs जो है रिव्यू एंगेजमेंट, तो उसमें SRE 2400 और SRE 2410 वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो SS एश्योरेंस सर्विसेज है, SAEs जो एप्लीकेबल है, SAEs तीनों ही SAEs भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ये सभी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, वो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, रिलेटेड सर्विसेज, रिव्यू एंगेजमेंट्स, सारे ही क्वालिटी कंट्रोल, वो सारे ही स्टैंडर्ड्स है वो अब एप्लीकेबल हो गए हैं। मतलब आपको एग्जाम में भी पूछने वाला है, और उसमें 45-55%, मतलब हाफ पेपर तो इसी में से निकलने वाला है, राइट। पहले भी इसका जो वेटेज था वो 25-40% तो था, बड़ा दिया है क्योंकि उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस कर दिए है। पहले ये जो SREs, SAEs, SRS वगैरह वो नहीं आता था, राइट। तो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। चलिए, और उन्होंने स्पेसिफिकली केस सिनेरियोस, केस स्टडीज के लिए ज्यादा दिया गया है, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वो। फिर जो सेकंड सेक्शन है, इसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चैप्टर जो डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है उसके ऊपर फोकस किया है, जिसमें 3-6% वो पूछेंगे।
राइट, क्योंकि अब आईटी है वो अलग से सब्जेक्ट नहीं है, तो वो ऑडिट मतलब हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ऑडिट में भी जो आईटी का यूज किस तरह से होगा वो भी आपको स्पेसिफिकली पूछेंगे। पहले भी वो चैप्टर तो आता ही था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में किस तरह से ऑडिट करेंगे वो तो वो कवर अप करते ही थे, पर वो पहले इसके साथ ही जो पहला सेक्शन था 25-40% उसी में कवर अप कर दिया था। अब उनका स्पेसिफिकली वेटेज दिया है कि 3-6% इसमें से ही पूछेंगे। चलिए फिर ग्रुप ऑडिट्स हो गया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वगैरह है, और एसएस 600 भी इसमें कवर अप किया गया है। फिर स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज वगैरह है, और ओवरव्यू ऑफ ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इंटरनल ऑडिट है, ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट्स है। ये सारे ही मिलाकर 17-24% का उनका वेटेज दिया गया है। पहले अलग अलग दिया गया था, पहले जो लिमिटेड कंपनीज का कंपनी ऑडिट है वो अब कुछ अलग से नहीं दिया गया है। फिर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अब नहीं है। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, अब भी वो ग्रुप ऑडिट्स में कवर अप किया है। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वो भी अब नहीं दिया है, उसका वेटेज 15-20% था, तो अब उसमें से सिर्फ ये कंसोलिडेशन वाला ही उन्होंने रखा है। फिर जो स्पेशल ऑडिट्स थे उसमें बैंक एनबीएफसी रखा है, और साथ में फिस्कल लॉस के हिसाब से भी ऑडिट करना था जो टैक्स ऑडिट वगैरह कवर अप होता था, बट वो टैक्स ऑडिट जो है वो अब रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, मतलब इनकम टैक्स का ऑडिट टैक्स ऑडिट है वो अब इनकम टैक्स में चला गया है, वहां पर उसका अलग से इंपॉर्टेंस दिया गया है, यहाँ पर अब ऑडिट में से वो हट गया है। तो पहले उसका भी वेटेज काफी रहता था 15-30%, वो अब उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी एसएस वगैरह जो स्टैंडर्ड्स है राइट, सारे एंगेजमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके ऊपर फोकस ज्यादा करने का उन्होंने सोचा है राइट, इसीलिए यहाँ पर ये चैप्टर से वो हट गए हैं और वो टैक्सेशन में कवरअप कर दिया है। हाँ, यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वो सारी ड्यू डिलीजेंस, वो सारी चीजें थी वो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी, और उनका वेटेज पूरा ही 17-24% कर दिया। फिर ये पीयर रिव्यू वगैरह भी हट गया है, वो भी अभी नहीं है, और ये नया इंट्रोड्यूस किया है जो इमर्जिंग एरियाज है राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस अश्योरेंस एक्सेट्रा है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया जो पहले नहीं था, तो उसका भी वेटेज 3-6% उन्होंने स्पेसिफिकली रखा हुआ है राइट। और जो प्रोफेशनल एथिक्स है राइट, और यहाँ पर उन्होंने लायबिलिटीज वाला पार्ट एड कर दिया है, जिसका वेटेज भी 17-24% उन्होंने कर दिया राइट, और जो पहले प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज 10-15% था वो अब बढ़ गया है राइट, तो वो अच्छा है, प्रोफेशनल एथिक्स वैसे भी करने में सभी को मजा आता है राइट, तो इस तरह से ये वेटेज रहता है। हाँ, जनरली 100 मार्क्स का पेपर होता है, बट उसमें ऑप्शंस वगैरह बन के वो जनरली 115-120 मार्क्स का बन जाता है। हाँ, अब एमसीक्यूज 30 मार्क्स के, तो 70 मार्क्स में किस तरह से पेपर स्टाइल रहेगा वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए एग्जैक्ट कितने ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो नहीं पता है, बट जनरली हम ऐसा 115-120 मार्क्स का तो टोटल पेपर हो ही जाता है ऑप्शंस वगैरह मिलाकर, इसलिए वो रेंज है वो ज्यादा हो रही होगी आपको, अगर लगेंगे टोटल करेंगे तो शायद 100% से ज्यादा हो जाएगा, तो वो उस वजह से भी रहेगा राइट, पूरा ही 100 मार्क्स का ही सिर्फ पेपर नहीं रहता। चलिए, तो ये ऑडिट था। अब हमारा जो पेपर 4 DT है, पहले जो लो था अब वो सेल्फ पेस्ट में चला गया है, उसके बारे में कुछ अभी तक पेपर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं दिया है, वैसे भी उसमें MCQs ही रहने वाले हैं, तो वो किस तरह से होगा वो अभी तक पता नहीं है। DT में देखते हैं, और हमारे ओल्ड कोर्स में वो पेपर 7 था, DT जो था। DT जो ओल्ड कोर्स में था उसमें डायरेक्ट टैक्स लॉस और इंटरनेशनल टैक्सेशन का दोनों का ही वेटेज अलग अलग दिया था, कि डायरेक्ट टैक्स लॉस है वो 70 मार्क्स का रहेंगे और इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो 30 मार्क्स का रहेगा, वो स्पेसिफिकली दिया था, इसीलिए जो आपका DT का पेपर रहता था उसमें भी क्या रहता था, जितने भी क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में देते थे उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने रहते थे राइट, तो सभी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन जो था राइट फिक्स वेटेज का वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का था, ताकि वो 30 मार्क्स मेंटेन हो पाए, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली अभी जो न्यू स्कीम आई है उसमें डायरेक्ट टैक्स लॉस और इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्पेसिफिक अलग वेटेज नहीं दिया गया है। हाँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन का वेटेज है वो 30-35% रखा है, बट वो वेरिएबल है, एग्जैक्टली कि 30 मार्क्स का ही पूछेंगे वो अब नहीं है, तो हो सकता है कि पेपर स्टाइल में भी चेंज आएंगे, अब ऐसा नहीं होगा, शायद ऐसा ना भी हो,
डायरेक्ट टैक्स लॉस के मतलब हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन हो ऐसा जरूरी नहीं है, पेपर्स चलाएगी तभी ये पता चलेगा। बट जो ओल्ड स्कीम थी उसमें ऐसा था कि हर क्वेश्चन के अंदर एक टैक्सेशन का थोड़ा सा मार्क्स का क्वेश्चन रहता था और थोड़ा सा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन का रहता था। बट शायद अब न्यू स्कीम में वो ऐसा नहीं होगा, किस तरह से होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। चलिए, जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटीज है, राइट, ऑफ कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, उसमें अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम्स वगैरह सब कुछ कवरअप हो जाता है, मतलब हेड्स ऑफ इनकम है उसका कंप्यूटेशन, उसमें डिडक्शन वगैरह कह सकते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग है, वो सारी चीजें इसमें कवरअप हो जाती है। इसमें जनरल प्रोविजन अंडर एक्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज जो है, स्पेशल टैक्स रेजिम्स अंडर द एक्ट फॉर कंपनीज एंड अदर एंटिटीज है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, वो सारी चीजें कवरअप होती है। टैक्स प्लानिंग भी उसमें इंक्लूड किया गया है। ये सेक्शन में भी दो डिवीजन किए हैं, उन्होंने बोला है कि 40-45% पूरे ही सेक्शन का वेटेज रहेगा, उसमें से भी जो 20-23% वेटेज है वो फॉर आइटम वन होगा, मतलब आइटम वन जो मैंने आपको बताया हेड्स है, डिडक्शंस हो गए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, प्लानिंग वगैरह, जो कंप्यूटेशन रहता है इनकम का, मेट है, एएमटी है, वो सारी चीजें का वेटेज है वो 20-23% उनका वेटेज रहेगा, राइट। फिर उस सेक्शन के अंदर भी जो दूसरा डिवीजन किया है उन्होंने कि जो एंड 20-22% वेटेज ऑफ फॉर 2, 3 and 4, राइट, उन तीनों का वेटेज है वो 20-20% रहेगा। तो उसमें जो सेकंड है आइटम वो रिलेटेड टू ट्रस्ट है, तो पूरा ही ट्रस्ट का चैप्टर बन जाता है, जिसका ट्रस्ट में कितनी इनकम रहेगी, किस तरह से कंप्यूटेशन करना है, उनके प्रोविजन है, वो सारी चीजें कवरअप होगी। और एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन अंडर द एक्ट है, और प्रोविजन टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस ऑन डिजिटाइजेशन है, वो तीनों ही चीजें कवर अप करके 20-22% का वेटेज रहता है। ये जो टैक्सेशन इन केस ऑफ डिजिटाइजेशन ट्रांजैक्शन वाली चीज है वो इंट्रोड्यूस्ड अभी किया हुआ है, न्यू सिलेबस में ही किया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शायद इसमें से अलग से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से पूछ सकते हैं वो। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से 20-23% का, और ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम है उसमें से भी 20-23% वो लोग पूछेगा, राइट। पहले जो वेटेज था वो ये बेसिक कंप्यूटेशन वगैरह है, स्पेशल प्रोविजंस है, और चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है उसका अलग से 5-10% था, और बाकी सबका 35-45% रहता था। अब ये थोड़ा सा हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर वैसे भी देखने चाहिए तो ये सारे जो परसेंटेज थे वो 70 मार्क्स के रहते थे। अब हमें यहाँ पर अलग वेटेज, मैंने जैसे आपको बोला कि डायरेक्ट टैक्स लॉस और इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग नहीं बताया है, तो ये जो वेटेज है वो पूरे 100 मार्क्स का है, ये 40-45% जो है, जो पहले का ओल्ड कोर्स में था वो 70-35-45% थे, तो ऑलमोस्ट उनका वेटेज एज इट इज ही रखा गया है। यहाँ पर जो पहले उन्होंने थोड़ा सा बाइफर्केशन ओल्ड कोर्स के अंदर ज्यादा दिया था कि चलो ट्रस्ट में से 5-10 पूछेंगे ही, राइट, बट वो अभी थोड़ा सा उन्होंने एक साथ कर दिया है, तो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस रहेंगे। चलिए, फिर जो सेकंड डिवीजन है उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपेलेट मैकेनिज्म, मतलब असेसमेंट प्रोसीजर का कवरअप किया है, बट उसके साथ उन्होंने यहाँ पर डिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, मतलब कि TDS एडवांस टैक्स, वो भी इसके साथ कवरअप कर लिया है। ये बाकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज असेसमेंट प्रोसीजर अपील रिविजन वगैरह है, प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस है, ये थोड़ा सा नया चीज है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में किस तरह से होगा, फॉरेन इनकम एंड एसेट्स पेनल्टीज वगैरह, हाँ मतलब थोड़ा सा पार्ट तो उन्होंने कवर अप कर ही दिया था, पहले भी आता था वही चीज होगी, बट उन्होंने डिवीजन है वो अलग तरीके से किया हुआ है। बाकी मिसलिनियस प्रोविजंस भी आता था, और टैक्स ऑडिट यहाँ पर ऐड किया है, ये ऑडिट में से यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है, तो इन सभी का वेटेज है वो 20-30% उन्होंने रखा है, राइट। टैक्स ऑडिट पहले नहीं था, अब ये यहाँ पर आ चुका है, लंबा चैप्टर है वैसे, क्योंकि ऑडिट का जितना भी था वो पूरा ही टैक्सेशन में अब ऐड कर दिया है, बट इजी लगेगा आपको यहाँ पर पढ़ने में, क्योंकि क्या है कि आपने टैक्स के प्रोविजन साथ में पढ़ा होंगे, तो पूरा ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इजीली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे। ऑडिट में क्या होता था कि वो प्रोविजन आपको याद करने पड़ते थे या रिफर करने पड़ते थे, बट अगर आप टैक्स के साथ ही पढ़ रहे तो ईजी रहता है, और वैसे भी जो ग्रुप वाइज एग्जाम देते हैं उनको ये बेनिफिशियल होगा, तो उसका वेटेज 20-30% है। पहले जो कलेक्शन रिकवरी ऑफ टैक्स रिफंड्स, मतलब TDS TCS, उसका वेटेज स्पेसिफिकली 15-20% था फ्रॉम 70 मार्क्स, राइट, और फिर ये असेसमेंट वगैरह उनका 50-25%
मिसलेनियस प्रोविजन का 5-10% रहता था। अब ये सभी कुछ ये सारे ही मिलाकर और टैक्स ऑडिट को ऐड करके 20-30% कर दिया है, मतलब 20-30 मार्क्स, क्योंकि ये 100 मार्क्स के परसेंटेज दिए हुए। और जो लास्ट पार्ट है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का है, उसमें जो भी नॉन रेजिडेंट टैक्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग है, फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, बीपीएस वगैरह जो भी है, वो सारी ही चीजें उन्होंने एक साथ ही दी गई है, जिसका वेटेज 30-35% है। मतलब ये 100 का 30-35%, 30-35 मार्क्स का पूछेंगे, उसका अलग डिवीजन नहीं होगा कि हाँ सिर्फ 30 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, ऐसा अब नहीं है, राइट। पहले उसका अलग से वेटेज रहता था कि ये 30 मार्क्स का पूछेंगे, उसके अंदर भी उन्होंने वेटेज दिया हुआ था, जो वेटेज अब नहीं दिया गया है। इन सभी का टोटल करके ही 30-35% पूछेंगे, वो किस तरह से पूछेंगे वो अभी नहीं पता, राइट। तो इस तरह से वो डायरेक्ट टैक्सेशन का भी बनेगा। और जो लास्ट पेपर फाइव है, पेपर सिक्स का नहीं दिया है, इसलिए ये जो सेक्शन वाइज वेटेज है उसमें लास्ट पेपर जो है पेपर फाइव इनडायरेक्ट टैक्सेशन लो, उसका यहाँ पर दिया है। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी था, उसका वेटेज 75 मार्क्स का, और कस्टम्स का वेटेज 25 मार्क्स का था। अब न्यू स्कीम के अंदर जीएसटी का वेटेज बढ़ा दिया है, 80 मार्क्स कर दिया है, और जो कस्टम्स है उसका 20 मार्क्स कर दिया है। तो जो जीएसटी है उसका अलग से 80 मार्क्स और कस्टम्स का 20 मार्क्स अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले जीएसटी का देखते हैं, तो जीएसटी में से जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट वगैरह जिस तरह से आपको पूछते हैं वो आएंगे। इसमें सबसे पहले जो पार्ट है जिसमें लेवी एंड कलेक्शन है, एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई, वो सारी चीजें, एग्जम्पशन है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जनरली आपका मॉड्यूल वन और आईटीसी वाला चैप्टर रहेगा, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है 45-65% ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का 45-65%, मतलब 40 मार्क्स के अराउंड जो पूछेंगे, राइट, 100 मार्क्स का पूरा पेपर में से 40 मार्क्स का ये जो चैप्टर है, 7-8 चैप्टर जो आपके पहले है उसी में से पूछने के चांसेस है। और यहाँ पर एक चीज जो दी गई है वो इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज बेस्ड ऑन फॉलोइंग, मतलब ये जो सारे क्वेश्चन है उसके बारे में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें थियरी आने के चांसेस नहीं है, राइट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले भी इनका जो वेटेज था, राइट, ये सारे चैप्टर्स वही है, उसका वेटेज 45-65% ही था, बट वो 75 मार्क्स का था, यहाँ पर 80 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ने के चांसेस है। वैसे भी जनरली स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा ही करते हैं, इजी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, और स्टार्टिंग में है तो वो वहीं से स्टार्ट करते होते हैं। चलिए, फिर जो सेकंड सेक्शन दिया है उसमें प्रोसीजर अंडर जीएसटी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, इलेक्ट्रॉनिक ईवे बिल है वगैरह, इनवॉइस है, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सारी चीजें कवर अप की है। फिर रिफंड्स एंड केस स्टडी बेस्ड ऑन रिफंड प्रोविजन, रिफंड्स में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। जॉब वर्क दिया हुआ है और लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, उनका वेटेज है 10-30%। पहले भी वो इसी तरह से दिया हुआ था, ऑलमोस्ट उनका वेटेज एज इट इज रखा है। फिर जो थर्ड सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, असेसमेंट एंड ऑडिट है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर है, अदर प्रोविजन है, उसका वेटेज 0-5%, मतलब शायद ना भी पूछे, राइट, इस तरह से दिया गया है। पहले इसका वेटेज 5-10% रहता था, अब इसका वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया है। और जो लास्ट पार्ट है जिसमें डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, अपील्स, प्रोविजंस एंड एथिक्स अंडर जीएसटी, ये एथिक्स अंडर जीएसटी पहले नहीं था, वो ऐड किया हुआ है, एथिक्स और आईटी है, वो सारे ही सब्जेक्ट में ऐड कर दिए हैं, तो उसका वेटेज 15-30% कर दिया है। पहले इसका वेटेज 10-25% था, अब वो बढ़ गया क्योंकि उसमें एथिक्स ऐड किया है, तो एथिक्स के क्वेश्चन तो आने के चांसेस पूरे हैं, राइट। इस तरह से ये जीएसटी का उन्होंने बाइफर्केशन दिया है। जीएसटी में केस स्टडी बेस के बारे में भी बताया है, तो वो भी आपको कंसिडर करना होगा। और कस्टम्स एंड एफटीपी है, उसका 20 मार्क्स का वेटेज है, पहले वो 25 मार्क्स का वेटेज रहता था, राइट। बाकी जो उनका इंटरनल बाइफर्केशन है वो एज इट इज है, जो लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटीज और वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी, वो सारी चीजें, जो एग्जम्पशन वगैरह है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज है, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स है, उनका वेटेज 40-65% है, पहले भी इतना ही था, राइट, बट अब वो 20 मार्क्स का रहेगा तो थोड़ा सा उसका वेटेज कम हो जाएगा, 10 मार्क्स अराउंड वो लोग अब पूछेंगे। फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, बैगेज है, गुड्स इम्पोर्टेड और एग्जम्प्टेड बाय पोस्ट स्टोर्स है, वेयर हाउसिंग, रिफंड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स वगैरह, वो सारी चीजें हैं, वो उसका वेटेज 20-45% अब उन्होंने
का दिया है जो 4-5 मार्क्स का पूछ सकता है। पहले उसका भी वेटेज 22-45% था, और जो FTP वगैरह जो है राइट जिसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उसका वेटेज 10-20% का दिया है, जो 4-5 मार्क्स था वो भी पूछ सकते हैं, उसका वेटेज भी पहले 10-20% ही था राइट। तो इसी तरह से ये वेटेज दिया हुआ है, और सारे ही सब्जेक्ट में लो वगैरह अगर चेंज होंगे तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें लिखी गई है जो हमें पता है राइट। और जो एक चीज उन्होंने यहाँ पर जो दी गई है कि अ डेविएशन ऑफ मैक्सिमम प्लस और माइनस 5% इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वाइज वेटेज इज परमिटेड, मतलब 5% ऊपर नीचे का वेरिएशन हो सकता है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, जो अलाउड है राइट वो परमिटेड है, मैक्सिमम 5% है तो उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, वो भी उन्होंने कहा हुआ है। तो थोड़ा सा ज्यादा एश्योरेंस मिल सकता है कि कौन सा चैप्टर के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, वो अगर आपको प्लानिंग करना है तो आप कर सकते हैं राइट। ये अच्छा है, हेल्पफुल हो सकता है। इवन उन्होंने काफी सारे जो चैप्टर है उसमें जो ओल्ड कोर्स में जो दिया था उनसे बेटर वे में उन्होंने दिया है, इंडे स्पेसिफाई कर दिए, चैप्टर स्पेसिफाई कर दिए, ताकि थोड़ा सा हमें इजी रहेगा राइट। तो होप ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। मैं इसके साथ आपको ऑडिट का रिवीजन है जो मई 24 के लिए, उसके वीडियोस भी मैं जल्द ही आपको अपलोड करूंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून अगर आपको ऑडिट पढ़ना है, होप आपको वो मजा आएगा। चलिए प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपके कुछ भी सजेशन है, रिव्यूज है तो आपको बता सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।